नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपकी आरओ एआरओ परीक्षा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी, जो कि फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है क्लास, तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज करके आंसर अपने मन में दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल से संबंधित प्रावधान 1995 में संविधान में जोड़ा गया। दूसरा है, इस कानून से संबंधित आयोगता का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहां क्या लिखा है, द प्रोविजन रिलेटेड टू चेंजिंग पार्टीज वॉज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1995। यहां पर आप लिख लीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी आप कह सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो हमारे संविधान में 1995 में जोड़ा गया, नहीं, वो हमारे संविधान में कब जोड़ा गया बताइए, 1985 में और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब यहां पर दूसरा देखिए क्या लिखा है, इस कानून से संबंधित आयोगता का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपकी संबंधित जो भी चीजें हैं उसको राष्ट्रपति नहीं डिसाइड करता है, उसको अध्यक्ष डिसाइड करता है। चाहे वो हम लोकसभा को देखें तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो डिसाइड करेगा, और जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजों को। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, तो डी आपका सही उत्तर है। यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है तो फिर मैं इसको एक बार और रीड नहीं कर रही हूं। दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, 24th, 42nd, 44th या फिर 86th। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन को हम लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब क्लास मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जब भी आप पढ़िए तो आप एक काम करिए, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो पीछे देखेंगे आप तो वहां पे संविधान संशोधन दिया गया है सारे, तो आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं आपके। अभी मैं बताऊंगी किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी एक बार पढ़िएगा, इन दोनों को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो आप एक चीज याद रखिएगा, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उसमें पहली बार अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और वो संशोधन आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 था। अब आपके दिमाग में आता होगा मैम क्या संशोधन किया गया, यहां पर हमने अपने प्रस्तावना में तीन शब्दों को जोड़ा। पहला शब्द आपका समाजवादी था, दूसरा पंथ निरपेक्ष था, और तीसरा आपका अखंडता थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिस्ट सेकुलर, और फिर यहां पर आपका इंटीग्रिटी की बात की गई, ये तीन शब्दों को हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया। तो याद रखेंगे आप, प्रश्न बन सकता है कि हमारे प्रीएम्बल में प्रस्तावना में संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें तीन तीन शब्दों को जोड़ा गया था और पूछा भी गया है, तो आप समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आप जो याद रखनी है आपको वो ये है, मौलिक कर्तव्य, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पेपर में बनते हैं, पहली चीज फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में नहीं थी,
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। किस पार्ट में? फोर्थ ए में, आर्टिकल 51 याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, 51A याद रखिएगा। फिर दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जब मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया तो इनकी संख्या जो थी वो थी 10। बाद में एक और अमेंडमेंट किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो जब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो इनिशियली इनकी जो संख्या थी वो थी 10, लेकिन अभी प्रेजेंट में 11 है। 11 जो 11वां है उसको 86 से जोड़ा गया है और वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें कि 6 से 14 साल के बच्चों की बात की गई है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। किस कमेटी के रिकमेंडेशन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? सर, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में। तो यहाँ पे इतने प्रश्न आपके मौलिक कर्तव्यों से बनते हैं जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए। अब पेपर में देखा जा रहा है कि प्रश्नों को डिफिकल्ट करने के लिए आपसे पूछ लेता है, 4-5 मौलिक कर्तव्य दे देते हैं, जिसमें कि दे देता है कि जो वोटिंग करने का अधिकार है, जो वोटिंग करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। ये पेपर में कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को दिया गया था। तो मैं बता दूं कि अभी तक वोटिंग करना हमारा मौलिक कर्तव्यों में नहीं जोड़ा गया। हाँ, कुछ कमिटीज ने रिकमेंड किया है कि वोटिंग करना, ठीक है, ये भी मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्यों में ये नहीं है। तो कभी भी पेपर में अगर मौलिक कर्तव्यों में आपका वोटिंग दिया रहे तो उसको टिक लगा के मत आइएगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। यही प्रश्न बनते हैं जो अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। और क्या क्या चीजें मुझे आपको बतानी है वो ये है, देखिए, जब हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो कुछ डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व संविधान संशोधन 42nd 1976 के थ्रू जोड़े गए। वो कौन कौन से हैं याद रखिएगा क्लास। अब देखिए पेपर में प्रश्न बन सकता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में जोड़े गए। अब इसी में से 3 उठा लेगा और चौथा आपको दे देगा विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना। कौन से जोड़े गए हैं? तो ये 3 जोड़े गए हैं, 1 नहीं जोड़ा गया है। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा। आर्टिकल 39 की जब हम बात करते हैं, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये नीति निर्देशक तत्व 42nd से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39A जिसमें कि फ्री लीगल एड की बात की गई है, यहाँ पर देखिए समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करना भी किससे जोड़ा गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। फिर 43A जिसमें कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, ठीक है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात की गई है, ये भी 42nd से जोड़ा गया। और 48A रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और एवं वन जीव की रक्षा करना, ये किसमें दिया गया है? 48A में। तो ये जो 4 आपके तत्व हैं, इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा क्लास, प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज बता के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगी। देखिए क्लास, जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ से और प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये रहता है कि आपका भी रिवीजन हो जाता है और नेक्स्ट टेस्ट में जब मैं इसी टॉपिक से प्रश्न बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने मैम की बात सही से सुनी थी कि नहीं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कष्ट नहीं किया कि मैं उस प्रश्न का उत्तर दे दूं, ये मैंने देखा, ठीक है। मैम क्लास बहुत अच्छी है, मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मैम ये वो, अरे प्रश्नों का उत्तर दो, जो मेन चीज है वो बताओ कि आपको क्या क्लास समझ में आई, प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप, ठीक है। ये चीज आप बताइएगा जरूर, जो भी प्रश्न पूछती हूँ उसको बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे भी एक और प्रश्न बन सकता है, जैसे आप सभी को पता है जब भी हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, 7th शेड्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लिस्ट की बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं, ठीक है, संघ सूची की बात करते हैं और समवर्ती सूची की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे विषय थे राज्य सूची के, 5 ऐसे विषय थे राज्य सूची के जिनको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने समवर्ती सूची में ले जाके डाल दिया। और ये कौन कौन से विषय थे इनको देखिए, शिक्षा, वन, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, ठीक है, न्याय प्रशासन और एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी, और फिर न्यायालयों का गठन और संगठन, ये चीज न्याय प्रशासन की भी बात की गई थी यहाँ पे। ये कुछ ऐसे विषय थे जिनको की राज सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। पेपर में यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि किन विषयों को राज सूची से समवर्ती सूची में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ट्रांसफर किया गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी अब आपको।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैव बीन मेड नेशनल अगेंस्ट द कैपिटल रीजन. ठीक है, नेशनल. फिर यहां पे देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया. 69, 73, 70 या फिर 75th. ये भी आपका रिसेंट में पूछा गया प्रश्न है. तो यहां पर याद रखिएगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चीज किया गया था. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए जी 69 संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संघ राज क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया. इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई थी. आगे बढ़ते हैं. राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन टू द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा 71st, 93rd, 86th की 103. तो बताइए कहां पे बोला गया है ये. तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. तो यहां पर आपका सी सही है. ठीक है, 2002, ये चीज याद रखिएगा. अगला प्रश्न देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रिजाइन. यहां पे जीएसटी से रिलेटेड कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये पूछा गया है, कौन सा संविधान संशोधन था. तो बताइए 101, 102, 103, 104. यहां पे ये जो सारे प्रश्न मैं डिस्कस कर रही हूं ये आपके पेपर में पूछे गए हैं. तो जो जीएसटी से रिलेटेड आपका अमेंडमेंट था वो 101 था, याद रखिएगा. 102, 103 और 104 अमेंडमेंट को भी, संशोधन को भी हम एक बार देख लेते हैं. देखिए क्लास, जब हम 102 की बात कर रहे हैं तो इसमें ये आपका अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है, अदर बैकवर्ड क्लासेस इसको कि हम बोलते हैं, ओबीसी कमीशन से रिलेटेड है 102, याद रहेगा. 103 की जब हम बात करेंगे तो ये 2019 में पारित हुआ, जो कि आपके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए था, ईडब्ल्यूएस के लिए था. ठीक है, जिसमें कि 10% आरक्षण का प्रावधान बोला गया, 10% रिजर्वेशन के बारे में. और 104 की जब हम बात करेंगे तो इसमें लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण था उसकी अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा देने का प्रावधान कहा गया था. तो इतनी चीजें क्लियर हो गई. यहां पर आपको समझ में आ गया होगा जीएसटी से रिलेटेड 101 है, फिर 102, 103, 104. चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स. तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग एज थी, मतदान का अधिकार था, उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया. तो 66, 62, 61 की 63. तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज को घटा दिया गया. अच्छा, इतनी चीजें क्लियर हो गई. अब क्लास देखिए, हम बार बार संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो संविधान संशोधन से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं उसको एक बार हम सोचने का प्रयास करते हैं. मैं बस आपसे डिस्कस कर रही हूं. देखिए सबसे पहले आपका एक प्रश्न बन सकता है कि संविधान संशोधन की बात हमारे संविधान में किस भाग में की गई है. तो आप बताएंगे 20वें भाग में संविधान संशोधन की बात की गई है. पूछेगा किस अनुच्छेद में की गई है, तो आप बताएंगे 368 में की गई है. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई. अब यहां पर देखिए, अब तो मैंने डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जो कि आपके पहले परीक्षा में बनते थे. अब आप देख रहे हैं कि जो परीक्षा में प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है. ये चीज मान रहे हैं कि पहले डायरेक्ट प्रश्न बनते थे कि ये संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, लेकिन अब प्रश्नों का लेवल और अच्छा किया जा रहा है. तो वो लेवल कैसे अच्छा हो रहा है, देखिए संविधान संशोधन आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, मानते हैं, अगर है तो ध्यान से सुनिएगा जो मैम आपको बताने जा रही हैं आगे चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देखिए यहां पर प्रश्न बनेगा कि संविधान संशोधन जो है वो आपके किसी भी सदन में, ठीक है, उसका विधेयक लाया जा सकता है. तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद एक में से किसी भी, कि संसद दो में से किसी भी एक सदन में, चाहे लोकसभा में आपका विधेयक पेश किया जाए, चाहे राज्यसभा में, ठीक है, कहीं पे भी पेश किया जा सकता है. तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, मान रहे हैं, हाँ मान रहे हैं. अगर पेपर में आपको दे दिया एक लाइन कि संविधान संशोधन से रिलेटेड जो विधेयक है वो विधानसभा में भी पारित किया जा, पेश किया जा सकता है, ये संविधान संशोधन से रिलेटेड जो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक आपके विधानसभा में लाया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं,
ठीक है, नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल है तो वो खाली आपके राज्यसभा या लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ये विधानसभा और विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं इंट्रोड्यूस होगा। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए दूसरी चीज कि जब भी इसको पेश करने की बात होगी, इंट्रोड्यूस करने की बात होगी, तो इसे कोई भी मंत्री, ठीक है, या कोई भी सांसद इसको पेश कर सकता है। ठीक है, किसी भी मंत्री द्वारा, किसी भी सांसद द्वारा इसको पेश किया जा सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको प्रेसिडेंट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। तीसरा देखिएगा, जब भी हम संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो वो विशेष बहुमत से आपका पारित होना चाहिए, मतलब 2/3 अथवा 66% से वो पारित होना अनिवार्य है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर कभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में, तो संयुक्त बैठक यहाँ पर नहीं होगी। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन के संदर्भ में नहीं है, ये नहीं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये नहीं शब्द ही देता है। जैसे यहाँ पर आपको दे देगा, जो संविधान संशोधन से रिलेटेड विधेयक है वो आपके विधानसभा विधान परिषद में पारित किया जा सकता है या पेश किया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर याद रखेंगे, बोलेगा कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए, तो आप कहेंगे नहीं आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के संशोधन के संदर्भ में है, तो आप कहेंगे नहीं है ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपको। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्लास, जब भी हम संविधान संशोधन बिल की बात करते हैं तो मेनली हम दो तरीके के बिल की बात करते हैं। यहाँ पर पहला, संसद के विशेष बहुमत की जरूरत है, आपने बिल को पेश किया, ठीक है, और बहुमत से वो संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया, तो ठीक है वो बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट जो होता है वो बाध्यकारी होता है कि वो अपनी स्वीकृति दे, अर्थात राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति देना बाध्यकारी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, ये चीज याद रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक जो है उसको राष्ट्रपति वीटो पावर या फिर रिटर्न नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिए, संशोधन विधेयक के मामले में भारत के राष्ट्रपति ना तो अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है और ना ही इसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो इसका मतलब उसका स्वीकृति देना बाध्यकारी है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जब दो तरीके का होता है, एक विशेष बहुमत से पारित होता है और दूसरा विशेष बहुमत से पारित होने के साथ ही साथ जो आपके स्टेट्स हैं 50% स्टेट्स को उसको सामान्य बहुमत से पारित करना जरूरी रहता है। दो तरीके का होता है, एक संसद की विशेष बहुमत जिसमें क्या हुआ, पेश किया गया दोनों सदन में, दोनों सदन ने विशेष बहुमत से पारित किया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, फिर हो गया, तो इसमें आपके मूल अधिकार हो गए, राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गए, ये सब चीजें हो गई। दूसरा जो है वो संसद तथा आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से, अब यहीं पे याद रखिएगा, आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से संसद में जब पेश किया जा रहा है तो वहां पे तो आपको क्या चाहिए, वहां पे आपको बहुमत से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, वहां पर आपको विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए संसद के सदनों में, लेकिन जो राज्य है वो समान बहुमत से भी इसे पारित कर सकते हैं, साधारण बहुमत से 50% राज्य को इसे पारित करना चाहिए। और यहाँ पर आपके कौन से प्रोविजंस होते हैं जो कि संघीय ढांचा को चैलेंज कर रहे होते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर को जो चैलेंज कर रहे हो, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्ति के विस्तार, ये सब चीजें इसमें होती है। अच्छा, यहाँ पे जो तीसरा दिया गया है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा आपका पारित होना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके भी थ्रू हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन ये संशोधन आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, अगर कभी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा कि आर्टिकल 368 के थ्रू हम तीन तरीके से अपने संविधान को संशोधित कर सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 368 के थ्रू हम अपने संविधान को खाली दो तरीके से ही क्या संशोधित कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, पहला विशेष बहुमत से संसद में, विशेष बहुमत से, दूसरा संसद में विशेष बहुमत से
तथा साथ ही साथ राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित होने पर। ठीक है, ये यहाँ पर जो साधारण बहुमत की बात की गई है ये आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आता है, ये आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही विभिन्न विभिन्न आर्टिकल्स में दिया गया है। जैसे नए राज्यों का गठन, अगर नए राज्य का गठन करना है तो उसमें भी हमारे संविधान में संशोधन किया जाएगा, लेकिन ये आर्टिकल 368 के थ्रू नहीं होगा, ये आपके जो राज्यों वाला जो आर्टिकल है उसके थ्रू होगा। नए राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नाम में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसे भंग करना, दूसरी अनुसूची की जब हम बात करते हैं, संसद में गणपूर्ति की बात करते हैं, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में परिवर्तन की बात करते हैं, संसद में प्रतिक्रिया और भी है आपकी, आप देखिएगा यहाँ साधारण बहुमत की बात होती है। चलिए, ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, बोर हो रहे होंगे। अच्छा, जो भी बोर हो रहा है ना, जैसे लग रहा है कि मैम एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रही, तो वीडियो को भगा लेना, लेकिन जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई क्लास, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कहाँ पर आप एग्जाम में फंस सकते हैं। हम जब बुक लेके पढ़ते हैं हमको चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है, वो सबके साथ होता है कि मैम बहुत इजी है, समझ में आ गया, लेकिन जब परीक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं कंफ्यूजन तब होती है, तब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे नहीं था कि हाँ था, क्या था, समझ ही में नहीं आ रहा। तो आप पढ़िए ना, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़िए प्रीलिम्स के लिए जैसे बुक से, तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं कैसे क्या क्या प्रश्न बना सकता था, और थोड़ा क्रिएटिव सोचिए। बस ये मत सोचिए कि मैं बनाता संविधान संशोधन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो किस आर्टिकल में दी गई है। अब ये पहले बनता था तो आप बताते 368 भी, तो इतना तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को रटा है। अब एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा कि आर्टिकल 368 के थ्रू हमने तीन प्रोसेस की बात की है, तीन प्रोसीजर्स की बात की है, ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं 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 आर्टिकल 368 के थ्रू तो हम खाली दो प्रोसीजर्स की बात करते हैं, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ ही साथ राज्यों द्वारा पारित होना चाहिए साधारण बहुमत से, 50% राज्यों द्वारा वो पारित होना चाहिए जब संघीय ढांचा की बात आती। तो इस तरीके से सोचा करिए चीजों को। अब जब हम संघीय ढांचा की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या संघीय ढांचा है, क्या फेडरल फीचर्स है क्या। तो लक्ष्मीकांत में स्टार्टिंग में आपके एक चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें संघीय ढांचा की बात की गई है, ठीक है, और जिसमें आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम की भी बात की गई। अब उस चैप्टर को पढ़ के एक बार रिलेट करिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा चीजों को, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो चलिए अब यहां देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, 79, 82, 86 की 89। अब यही क्वेश्चन मैंने कल क्लास में आपसे पूछा था कि प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स थोड़ा पेन लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो आपके किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आप में से एक स्टूडेंट ने भी इसका आंसर नहीं दिया। तो अब यहां पर आंसर सुन लीजिए, इसको 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। यहां पर देख लीजिए, यहां पर जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, पहले आपका आर्टिकल 338 ही था जिसमें आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों था, बाद में 338 और 338A को अलग किया गया, ठीक है, जिसमें कि 338A जो था वो आपके जनजाति से रिलेटेड बना दिया गया, और ये अमेंडमेंट आपका 89th अमेंडमेंट था, याद रखिएगा 2003 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छा, यहां पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था ये जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, अदर बैकवर्ड क्लासेस से, अन पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ये 2018 में किया गया था और इसी के थ्रू हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसको कि हम 338B कहते हैं। अभी हमने 338A देखा ना जो कि आपके जनजाति से रिलेटेड था, 338 जो है वो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और ये जो है 338B ये आपका अन्य पिछड़े वर्ग से रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। तो 102nd से 338B को हमारे संविधान में जोड़ा गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक और आपका 342 है जिसको कि हमारे संविधान में ऐड किया गया था, जिसमें कि क्या बोला गया था, किसके पास ये अधिकार होगा कि कौन सी क्लासेस आपके बैकवर्ड क्लासेस में आएंगी, तो ये प्रेसिडेंट के पास है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक प्रश्न भी डिस्कस किया था
कि किसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो नेशनल ट्राइब्स को डिक्लेयर करे, तो मैंने आपको बताया था ये इसकी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। सेम तरीके से जो 342A है वो इम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये चीज क्लियर हो गई होगी, सॉरी क्लास। तो किसके पास? राष्ट्रपति के पास पावर होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेन्ज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोलकनाथ केस की बात की गई है, केशवानंद भारती केस की बात की गई है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है। देखिए क्लास, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से चीजें पढ़ा होगा तो आपको ये तो पता होगा कि केशवानंद भारती केस जो है वो आपका गोलकनाथ केस के बाद है। क्यों? क्योंकि एक में बोला गया था कि हम केशवानंद भारती केस में क्या बोल दिया गया कि ठीक है हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं, चीजों को मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उससे कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बोला गया था ना, बेसिक डॉक्ट्राइन की बात की गई थी, जो भी मूल ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये चीज बोला गया था। तो यहां पर देखिए, अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका गोलकनाथ वाद आएगा, मतलब गोलकनाथ केस आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, वन थर्ड, एक के बाद थर्ड कहीं पे दिया है, हाँ यहां दिया है। ठीक है, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फिर फोर्थ। ठीक है, तो यहां पर नहीं, इसके बाद केशवानंद भारती केस, फिर सबसे आखिरी में ये 42nd। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं, ए आपका सही उत्तर है, देख लीजिए, गोलकनाथ वाद केस जो है वो 1967 में है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, केशवानंद भारती केस जिसमें कि बेसिक डॉक्ट्राइन की बात की गई है 1973, इसके बाद आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि 1976 में है। ठीक है, ये चीज आपको पता है, फिर जिसमें कि आपका, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, ये भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है, संशोधन से रिलेटेड है। अच्छा क्लास, मुझे एक चीज आप लोग बताइएगा, मैं आपका फीडबैक जानना चाह रही थी। क्लास में थोड़ा सा मैंने टॉपिक्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, ये चीज आपके लिए अच्छी है कि एक्सप्लेन करूं कि ना किया करूं? जैसे आज मैंने संविधान संशोधन की बात की तो थोड़ा सा उसको मैंने आपका टाइम लेके उसमें चीजें बताई कि किस तरीके के प्रश्न आपके और बन सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो वो चीज आपको अच्छी लगी कि इस चीज को स्किप कर दिया जाए आगे की क्लासेस में, आप लोग मुझे बताइएगा। अब यहां पर हम देखते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो 61st संविधान संशोधन था उसके थ्रू क्या किया गया था, जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, पहले का आप सी का आपका पहला हो जाएगा, ऐसे हम देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां पे देखिए सी का फर्स्ट आपका दो जगह दिया गया। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर 38 दिया है, फिर 44th दिया है। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इसके थ्रू हमने अपने प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स ऐड किए, जैसे सेकुलर, ठीक है, फिर सोशलिस्ट और फिर हमने इंटेग्रिटी की बात की। तो यहां पर देख लीजिए 42nd का मतलब ये डी का सेकंड हो जाएगा, डी का सेकंड यहां दिया गया, तो ये ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन अभी हम और देखते हैं। फिर आपका दिया गया है, हम देखते हैं 38 की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो यहां पे कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन की बात की गई थी इसमें। और 44th के थ्रू आप सभी को पता है क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी जो थी उसको हमने फंडामेंटल राइट से हटा दिया था और फिर इसको हमने अपने संविधान में दूसरी जगह ऐड कर दिया। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, सी ही होगा, सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं, मीर जाफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, बंगाल का, या अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाने वाला बंगाल का प्रथम नवाब था, और तीसरा है मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी की बात की गई है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है, 1757 में हुआ है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है, 1764 में हुआ है। ठीक है, सब पता होगा। चलिए, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, हाँ, मीर जाफर को बना दिया गया था, एकदम सही है,
और ही वॉज द फर्स्ट नवाब, ठीक है ये भी सही है, ये भी सही है, डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ये आप सभी को पता है, और मीर जाफर को क्या किया गया, बंगाल का पहला नवाब बना दिया गया। क्यों बना दिया गया, क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी, ये चीज आपको पता है। इसी के कारण अंग्रेजों ने बंगाल में किंग मेकर की भूमिका भी सामने आई। क्यों कहते हैं किंग मेकर, अभी मीर जाफर को हटाकर, ठीक है हटाकर मीर कासिफ को नवाब बना दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी तथा साथ ही कंपनी के को युद्ध के हर्जाने के रूप में लगभग 17.5 लाख रुपीज भी दिए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने मीर जाफर का बेहिसाब आर्थिक दोहन किया, जिससे तंग आकर मीर जाफर ने डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, और फलस्वरूप क्या हुआ, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिफ को फिर नवाब बना दिया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो जिसका साथ देता था, मतलब जो जिसको मतलब धोखा देता था और अंग्रेजों का साथ देता था, अंग्रेज उसको बिठा देते थे, फिर उसका दोहन करने लगते थे। अच्छा ठीक है, ये सब चीजें तो आपको स्टोरी पता होगी। वैसे यहाँ पर जो मेन चीज है बताना वो देखिए, 1757 के बाद हमें पता है बैटल ऑफ प्लासी हुई, 1764 के युद्ध को जिसको कि हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं उसको निर्णायक युद्ध कहते हैं। उसको निर्णायक युद्ध क्यों कहते हैं, परीक्षा में पूछा था, उसमें आपके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में आपको पता है बंगाल का नवाब, ठीक है इधर अवध का और मुगल, तीनों ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की थी। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब साइन हुई तो क्या शो कर रहा है कि अब अंग्रेजों का जो अधिकार है वो और बढ़ गया है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने इन लोगों को हरा दिया था। ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो बताइए अर्थ जो है वो अपनी एंटायर लाइट और हीट सन से रिसीव करती है, और सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। दोनों ही कथन आपके सही है। हमें प्रकाश, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है ना, और सन जो है वो एक स्टार है और ये क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के। तो यहाँ पे दोनों ही आपके सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर था, किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इंडियाज नेशनल वाटरवे 2 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर एंड बिटवीन विच टू प्लेसेस, ये बोला गया है। तो गंगा नदी इलाहाबाद हल्दिया, ब्रह्मपुत्र नदी पर है सदिया और धुबरी के बीच में, पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम और कोल्लम के बीच में, या फिर विजयवाड़ा मुक्तायाला के बीच में। तो ये आपका है नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे, वाटरवे की बात की गई है 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सदिया और धुबरी के। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी, सदिया और धुबरी। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की अगर हम बात करेंगे तो उद्योग मंडल और चमकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लियम के बीच में स्थित है ये। और जलमार्ग 4 की बात करेंगे तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी से, ठीक है, लगा हुआ है। पढ़ लीजिएगा इसको एक मिनट, सॉरी क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु पब्लिशेस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जर्मन वॉच, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो आपका जर्मन वॉच द्वारा पब्लिश किया जाता है। यहां पे देखिए थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, गले में थोड़ी दिक्कत लग रही है। ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिया गया है, तो ललित कला एकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, संगीत नाटक एकेडमी का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ललित कला एकेडमी जो है वो आपकी 1954 में बनी है। ठीक है, ए का फर्स्ट तो एक ही जगह दिया गया है यहां पे देखे तो। चलिए और देखते हैं, सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये 1979 में आई है, डी का फोर्थ, ए आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 1959 में,
और संगीत नाटक अकेडमी यहाँ पे 1959 ऑप्शन दिया है, लेकिन ये 1953 होना चाहिए जहां तक। चलिए देखते हैं ए आपका सही उत्तर है, एक बार उत्तर को मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है, ललित कला अकेडमी 1954, संगीत नाटक अकेडमी जो है वो 1953 में स्टैब्लिश हुई है। विकल्प में संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना वर्ष 1952 दिया है जो कि गलत है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 और सांस्कृतिक संसाधन एवं परीक्षण के 1979। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको आंदोलन दिए गए हैं और यहाँ पे जो आपके आंदोलन से रिलेटेड थे, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के कौन थे बताइए, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ए का सेकंड, ए का सेकंड आपका यहां दिया गया है, वेरी गुड। अपिको आंदोलन की बात करेंगे तो अपिको आंदोलन से रिलेटेड कौन है बताइए, यहाँ पे आपके पांडुरंग हेगड़े हैं। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर का नाम सबको पता है, तो सी का फोर्थ हो गया। और साइलेंट घाटी आंदोलन, सुगाता कुमारी, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी गले में दिक्कत लग रही है क्लास, इसको ना, ठीक है, जो सी है यहाँ पे ये गलत है आपका। देखिए जब हम यहां बात करेंगे, ये सी करिए इसको, ये गलत है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, अपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, और यहाँ पे साइलेंट रैली सुगाता कुमारी। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, सी होगा। थोड़ी सी गले में दिक्कत लग रही है तो आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही होगी, असुविधा हो रही होगी समझने में, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ करिएगा, लेकिन मैं तब भी आपको समझाने का प्रयास करूंगी। साइलेंट वैली मूवमेंट की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे 1978 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, प्लेस कौन सा था, केरल था। ठीक है, यहां पर आप साइलेंट वैली मूवमेंट अभी हमने डिस्कस किया, यहां पर देखिए सुगाता कुमारी का नाम आप याद रखेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कौन से परिषद, मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन थी, तो केरला शास्त्र साहित्य परिषद का नाम, साहित्य परिषद का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, KSSP। ठीक है, यहां पर इसका मेन रीजन क्या था, यहाँ पे साइलेंट वैली वाले रीजन में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और जब भी कोई बांध का निर्माण होता है तो आपको पता है वहां की जो जैव विविधता है वो आपकी क्या होती है, एक्सप्लॉइट होती है, वहां पे जैव विविधता का लॉस होता है, तो उसी के अगेंस्ट में था साइलेंट वैली मूवमेंट 1978 ईयर, जरूर याद रखिएगा। जैसे एनवायरमेंट की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, जो बच्चे पहले से क्लास कर रहे होंगे उनको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे 1973। क्लास में ईयर आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि पहले तो डायरेक्ट प्रश्न बनते थे, अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे देता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 1978 में साइलेंट वैली था और 1973 में चिपकू था, तो चिपकू पहले था। ठीक है, अभी तो और बताऊंगी तो वो तो याद रहेगा। ये उत्तराखंड में था, यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आप याद रखेंगे। आपको पता है कि इस रीजन के आपके जो पेड़ थे उनको काटा जा रहा था, और वहां के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वृक्ष कटे, इसीलिए उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिए थे, जिसकी वजह से चिपको आंदोलन को हम हग मूवमेंट भी कहते हैं। पेड़ों को गले लगाकर कहा कि अगर काटना है तो पहले हमको मारो। ठीक है, तो इतना लगाव था वृक्षों से उनको, तो यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द हिमालयन फॉरेस्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। इसी तरीके से देखिए 1700 में, ये तो बहुत बहुत पहले की बात है, बिश्नोई मूवमेंट था। बिश्नोई मूवमेंट जो था वो भी आपके चिपको आंदोलन की तरह ही था, इसमें भी लोग जो थे, ये बिश्नोई जो ट्राइब से आपके राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में हुआ था। लीडर जो थी वो अमृता देवी बिश्नोई थी। यहाँ पे राजा के महल को बनाने के लिए पेड़ को काटा जा रहा था लकड़ियों के लिए, ठीक है, और इसके वजह से बोला गया कि जाओ राजा का महल बनने वाला है, लकड़ी लेके आओ, तो पहुंच गए सब। तो जब पेड़ काटने लगे, राजा के जो कर्मचारी थे, जो उनके लोग थे, तो लोग वहां के जो लोकल लोग थे, उन्होंने पेड़ों को गले लगाया। और मैं आपको बताऊं, उस समय तो हमारी डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो राजा का जो आदेश था उसी को मानना था, चाहे 10-12 लोग मर क्यों ना जाएं। ठीक है, तो यहां पर जो लोग थे उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी दी थी। ठीक है, बाद में राजा तक जब ये बात पता चली तो पेड़ों की कटाई रोकी गई इस मूवमेंट के थ्रू, तो ये चीज याद रखिएगा। तो अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछता है बिश्नोई मूवमेंट, चिपकू मूवमेंट और अपिको मूवमेंट, ये किससे रिलेटेड है, ये तीनों आपका पेड़ों की कटाई रोकने से रिलेटेड है, लेकिन बिश्नोई मूवमेंट पहले हुआ था राजस्थान का, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ था, चिपकू आंदोलन, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन जो था ये भी आपके चिपकू आंदोलन की तरह था, यहां पर भी लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि आप पेड़ों को ना काटिए, लेकिन ये आपका 1983 में हुआ था, ये चीज याद रखिएगा, चिपको के बाद हुआ था, और कहां हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, और लीडर कौन थे, पांडुरंगा हेगड़े। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। 1985 आपका क्या हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका, यहाँ पे एक्टिविस्ट कौन थी, मेधा पाटकर थी। ठीक है, यहाँ पर भी डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिसके वजह से क्या, जो नर्मदा नदी के किनारे जो चीजें थी वो आपके डिस्ट्रक्ट हो रही थी उनको रोकने के लिए। जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में, ठीक है, बिहार में, ठीक है, सिंहभूम भूमि में, और यहां पर क्या था, यहाँ पे भी पेड़ों की कटाई को रोका जा रहा था। अब देखिए क्लास, ये आपके परीक्षा में, यूपीपीसीएस परीक्षा में जल्दी पूछा गया प्रश्न है, वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ आंदोलन, सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड, दी महाराष्ट्र, मैसूर, कर्नाटक। ठीक है, फिर मतलब थाने महाराष्ट्र दिया गया है, मैसूर कर्नाटक का दिया गया है, फिर दरभंगा बिहार दिया गया, होशंगाबाद मध्य प्रदेश दिया गया। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। चिप्स के पैकेट में समानता कौन सी गैस भरी जाती है बताइए, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी जाती है वो आपकी नाइट्रोजन है, डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा बताइए, 34, 35, 36 या फिर 37। तो सिक्किम को 36 संविधान संशोधन द्वारा हमारे इंडियन यूनियन में जोड़ा गया था, सी आपका सही उत्तर है। ईयर भी देख लीजिएगा 26 अप्रैल 1975, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट आपके कब फॉर्म हुए हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे वाले क्लास में। अभी ये चीज मैंने आपको पढ़ाया ना तो मेरे दिमाग में आया ये चीज कि ये भी बनता है, जैसे हरियाणा, ठीक है, फिर आपका उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप कब अपनाया था, 19 जुलाई 1948 को, 22 अगस्त 1948 को, 15 अगस्त 1947 को कि 22 जुलाई 1947 को। तो यहां पे आप सब में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा कि 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग को। नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं तो बताइए, 371A में, 371D में, 371F में कि 371H में। तो यहाँ पे नागालैंड से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो आपके 371A में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्लास, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। यहाँ पे अगर हम आर्टिकल 371 की बात करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई है, 371A में नागालैंड की बात की गई है, ठीक है, 371B में असम की बात की गई है, सी में किसकी बात की गई है, मणिपुर की बात की गई है, फिर आंध्र प्रदेश की बात की गई है दो में, डी में और ई में, याद रखिएगा दो बार आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपके प्रोविजंस हैं यहाँ पे आर्टिकल 371D और ई दोनों। फिर एफ में हमने सिक्किम की बात की गई की है, ठीक है, फिर मिजोरम की बात की है, फिर अरुणाचल प्रदेश की बात की है, फिर गोवा की बात की है, और उसके बाद हमने बात की है कर्नाटक की, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, एन से आपका यहाँ पे सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात हो गया, फिर आपका क्या हो गया, नागालैंड हो गया, फिर असम हो गया, फिर मणिपुर हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश की बात हमने दो बार की है तो दो बार आंध्र प्रदेश लिख रहे हैं, फिर सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम के बाद क्या हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया और आपका कर्नाटक हो गया। तो मैंने तो नमाज मक से याद किया था, लेकिन आप लोग किसी और अच्छे से याद कर सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे नमाज मक का मतलब ही यही था कि नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर सिक्किम, इधर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में कंफ्यूज करने के लिए, मैच करने के लिए दे सकता है आपको, सुमेलित करने को, ठीक है, ये 370A, A, B, C, D और यहाँ पे आपको स्टेट्स के नाम दे दे। तो अगर आप एक ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको परीक्षा में याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, घोषणा के दो माह के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, इसमें संबंधित प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसको रद्द करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की है, आपको पता है हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक है, हम स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं जिसको कि हम फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहते हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, और एक आपका है यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है।
तो यहां पर इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन द 2 month ऑफ डिक्लेरेशन, 2 महीने के अंदर इसे अप्रूव्ड होना चाहिए, एकदम सही है. एनी प्रपोजल रिलेटेड कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सही है. एंड देयर इज नो नीड फॉर द पार्लियामेंट अप्रूव पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू रिवोक इट, राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, ये भी सही है. तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा. देखिए 360 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं. आपको पता होगा 352, ठीक है, 356 और 360. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. थोड़ा सा गला खराब लग रहा है ना, तो इसी वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगी. ये आपातकाल से रिलेटेड इन सब पे और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है. बस आप क्लास में बने रहिएगा, चीजों को पढ़िएगा, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है. और भी अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है, इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त होती है, जुडिशियल रिव्यू की. देखिए क्लास, ये तो सही है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है, इसे न्यायिक समीक्षा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है वो, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. तो ये दोनों ही सही है. यहां पे क्या पूछा गया, इनमें से कौन से सही नहीं है, तो ये डी हो जाएगा, डी डी आपका. तो ये ठीक है आपका, यहां पे कौन से सही नहीं है, तो ना तो नहीं है, या तो इसको ये कर लीजिए आप, ठीक है, कौन से सही है, ठीक है. तो आपका आंसर, ये थोड़ा सा क्लास यहाँ पे आंसर्स आज थोड़ा सा वो दिए गए हैं, मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ. यहाँ पे अगर हमने इसको ये बना लिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, अगर हम कर ले इसको, ठीक है, तो आपके दोनों ही कथन सही है, सी आंसर होंगे, ठीक है, और कौन सी आंसर तब सही होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा. चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. भारतीय संविधान में भाग 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है और 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है. तो प्रक्रियाओं से संबंधित है. तो यहां पे देख लीजिए, जब भी हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पार्ट 6 में नहीं, पार्ट 5 में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है. पार्ट 5 आपका यूनियन से रिलेटेड है और उसी में हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करते हैं. दोनों आपका क्या है, सही है, नहीं सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, एक सही है इसमें, दूसरा बी, बी आपका खाली सही है. यहाँ पे देख लेते हैं, बी आपका सही उत्तर होगा. भारतीय संविधान में भाग 5 संघ एवं अध्याय 6 चैप्टर 6 में हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं. वहां पे 6 दिया गया था जो कि आपका गलत है, हम चैप्टर 6 की बात करते हैं, पार्ट 5 में चैप्टर 6, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 124 से 147 तक. तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे. थोड़ा सा क्लास के एंड में आपको असुविधा हुई है क्योंकि गला थोड़ा सा मेरा बहुत ज्यादा चोक हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन तब भी क्लास को कंप्लीट करना आवश्यक था, इसलिए क्लास को कंप्लीट किया गया. अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे. अगर आज की क्लास में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा. और आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे. तब तक के लिए धन्यवाद. आपका दिन मंगलमय हो. खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है. अपने प्रति वफादार बनिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी. धन्यवाद क्लास. इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए.